बिकॉज दिस इज़ द ओनली टाइम वी हैव प्रॉपर क्लास फ्रॉम दीदी. सो दीदी विल शेयर विद हस एंड दिस होल वन आवर इज लाइक काइंड ऑफ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन वी कैन से. मे बी वेन दीदी शेयर्स इन द एंड मे बी यू कैन इफ देर इज एनी थिंग यू कैन शेयर विद दीदी और आस्क समथिंग दैट्स फाइन. सो फ्रॉम अंटिल 11:30 सो वी विल hear from Didi and then after 11:30 to 1 we have something special for all of us and of course to our Peace Village Nivasis. So that's the program. So please do not miss. If you had to leave the room, please come back. So we are all together. So should we, Didi's question was, should we do class in Hindi or English? Okay, let's do this. How many of you understand English? How many कितने ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती है? क्या करना दीदी? हाँ, but raise your hand again. हाँ, कितने हैं जिनको हिंदी? What which language you would like to? How many of you don't understand Hindi at all? This many, Didi. Okay, Didi is saying I would like to do in Hindi. So all those who need translation in English, please raise your hand and please make yourself comfortable with your translation system. I'm sure our translators are doing their best to get each and every word to you. We have a translator there, it's a Falguni Ben, so she will be doing translation. So let's remember Baba, have wonderful remembrance. We'll take Drishti from Didi and from there we'll start. So for one song, 5 minutes, we'll remember first Baba. बने और शासन चलाए कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुट बीच दरबार अपना सजाए मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए सजग संतरी से बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए बीच दरबार अपना सजाए है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा सुखी जनता सारी राजा राजी
सजाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दिस इज द गिफ्ट दादी जानकी हैज लेफ्ट विद अस, थ्री टाइम्स ओम शांति। Are you all okay? Everyone is okay? Sabhi theek hai? Just a bit of English. Sabhi theek hai? Puri tarah se? Tan, man, sab theek hai? Kyunki thoda sa संख्या ज़्यादा होने के कारण कमरों में एडजस्ट करना पड़ रहा है आप लोगों को, इसलिए हम बाबा को कह रहे हैं कि अभी कोई और जगह दो। तो अभी सोच रहे हैं कि हैप्पी विलेज बनाए। पीस विलेज तो है, हैप्पी विलेज बनाए। प्रपोजल है कि कनाडा में हैप्पी विलेज बना दो। या क्यों नहीं, शुभ संकल्प है तो होना चाहिए। कहते हैं कनाडा में हैप्पी विलेज बनाओ। कौन बोल रहा है? खड़े हो, खड़े हो जाओ। अच्छा, कहाँ बनाए? कहाँ? कनाडा में। अच्छा। ढूंढो। हमारे पास तो ये जो साथ वाली प्रॉपर्टी है ना, वो 8-10 साल से कोई ले रहा है नहीं, कोई भी नहीं ले पा रहे हैं। तो भी टाउन वाले कहते हैं आप लोग ही लो, 50 कमरे हैं उसमें। तो देखो ड्रामा में रेस करो, आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते, जहाँ पहले मिल गया वो ले लें। तो इस एक होता है ठीक रहना, ओके। दूसरा होता है राजी रहना, खुश राजी। राजी का मतलब एकदम संतुष्ट। कौन कौन राजी है? एकदम संतुष्ट।
कोई भी असंतुष्टि नहीं। उठाओ हाथ सदा सदा संतुष्ट। देखो दो बातें होती हैं संतुष्टा में भी, एक स्वभाव से संतुष्ट होते हैं, एक प्राप्ति से संतुष्ट होते हैं, दोनों ज़रूरी हैं। मैंने तो ये देखा है बचपन से ही, सभी मुझे यही कहते थे ये बहुत संतुष्ट आत्मा है। तो संतुष्ट होते हैं ना तो चेहरा खिला रहता है, मुस्कुराता रहता है, एक स्वभाव से संतुष्ट। दूसरा आपकी अचीवमेंट जो आप करते हैं उसमें सफलता कितनी मिलती है, विजयी रतन कितने हैं, वो भी संतुष्टि है ना। अच्छे नंबर में पास होते हैं वो संतुष्टि है। दोनों तरह की, एक स्वभाव से ही संतुष्ट। तो क्या होता है स्वभाव से संतुष्ट होते हैं ना तो दिल में एक ऐसा हमेशा धन्यवाद निकलता है बाबा के लिए सब। मैं एक से पूछ रही थी कि आपने आपके जीवन में सॉरी ज़्यादा कहा है या थैंक्स ज़्यादा कहा है, गिनती करो। कई सॉरी ज़्यादा कहते हैं छोटी छोटी बात में, कई थैंक्स ज़्यादा कहते हैं। कौन सी ज़्यादा, थैंक्स ज़्यादा है सॉरी ज़्यादा है, हैं? तो खुश रहो, राजी रहो और तीसरा मौज में रहो। चिंता नहीं, कुछ नहीं होता चिंता से। वही टाइम अगर मैं तो कहती हूँ इतनी चिंता करो इतना ही बाबा को याद कर लो तो प्राप्ति किस में होगी। सभी एकदम बदल देना चाहिए, जैसे ही कोई बात में चिंता लगे ड्रामा बाबा, मौज में रहो। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं एक शब्द होता है मुंजना। कोई लोग छोटी छोटी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ उलझन में आ जाते हैं, क्यों क्या कैसे होगा, बहुत लंबी क्यों क्या की लाइन लग जाती है। मौज में रहो जो कर सको। मैं तो जो भी आइडिया होती है कुछ होती है सुना देती हूँ, फिर उसके बाद मैं डिटैच हो जाती हूँ कि ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। कई जो है ना वो उसके पीछे परस्यू करते रहते हैं, उसमें निराशा भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, दुख भी होता है, बहुत कुछ होता है। ऐसा भी क्या सेवा जो ये सब साथ में बैगेज है। सेवा तो ऐसी है, संकल्प करो बाबा की तरफ से है, बाबा का प्लान है तो होगा, आपका है तो होगा नहीं होगा वो भी ड्रामा देखो। ने किसी ने पूछा दीदी से कि मुझे कैसे पता लगे कि ये श्रीमत है कि मनमत है। तो दीदी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो श्रीमत के आधार पर आपका संकल्प है तो आप संकल्प करेंगे और न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि बाबा की तरफ से आपको मिला है। आपका है तो पूछते रहेंगे ये हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए ऐसा, बहुत संकल्प, लंबी लाइन लगेगी, मौज में नहीं रह सकेंगे, मूंझते रहेंगे, दुख लेते रहेंगे, निराश होते रहेंगे। तुम सदा कल की मौज नहीं रहती ना। देखो एक होती है, एक है मन एक है बुद्धि, राइट। बुद्धि जो है ना वो समझ है, ज्ञान बुद्धि में है, ज्ञान को समझ कहते हैं। और जो सेंसिबल बन जाते हैं ज्ञान से, बाबा ने उस दिन कहा तुमको योग्य बनाता हूँ, जो सही तरह से ज्ञान को समझता है, जैसे ममा का उदाहरण है,
तो वो समझदार बनता जाता है। बुद्धि अच्छी है, समझदार है। दूसरा, उसके साथ कॉम्बिनेशन चाहिए भावना, प्रेम श्रद्धा भावना कहते हैं। श्रद्धा भक्ति का शब्द है, प्रेम और भावना। जो कुछ मुझे करना है प्रेम से करो और भावना से करो। तो प्रेम और भावना से जो कुछ किया जाता है उससे बहुत प्राप्ति होती है। समझदारी भी ज़रूरी है, निर्णय शक्ति भी ज़रूरी है, और प्रेम और श्रद्धा भी ज़रूरी है। कल मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि ये जो फल फूल अनाज का भोग लगाते हो तो वो प्रकृति से है, तो प्रकृति को भी आप भोजन की तरह से, बाबा तक तो वो भी खुश होती है कि तुमने मुझे भी अर्पण कराया भगवान को। तो मुझे ये बहुत अच्छा ध्यान पर आया कि एक ऑफरिंग होती है। किसी को भी देखो, आपके पास भी ब्रह्मा भोजन बनता है, बाबा को भोग लगता है, आपको प्रेम से खिलाया जाता है। तो प्रेम और भावना की भी एक बहुत बड़ी शक्ति है और प्राप्ति है। तो सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ साथ प्रेम और भावना वाला एक यज्ञ का कर्मयोगी होगा। उसको यज्ञ यज्ञ है ना, कि मैंने पढ़ा दिया, ज्ञान सुना दिया, थोड़े स्टूडेंट बन गए, तो उनमें वो क्वालिफिकेशन आएंगे नहीं जो आप में नहीं है। तो हम लोग ज्ञान में आए बहुत छोटी आयु में, उस समय ज्ञान तो नहीं इतना समझ आता था, पर प्रेम और भावना बहुत थी। यज्ञ में क्या ज़रूरत है, यज्ञ के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बड़े हुए। और ये थोड़ी होता है कि जो यज्ञ को चाहिए सब मेरे पास है, मेरे पास तो नहीं है, पर मेरी भावना से औरों में भावना आती है। क्योंकि आपका संकल्प पहुंचता है ना, मेरे पास तो कहाँ है, हमने तो कभी ये कहा ही नहीं है। दादी जानकी कहती थी, भगवान का बच्चा ये कहे कि मेरे पास नहीं है, कोई कमी है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें अपने लिए थोड़ी चाहिए। जो चाहिए हमें, आज मेरे पास क्यों इतना भी आता है तो यज्ञ के लिए ना, मैं थोड़ी रख तो कुछ भी नहीं रखती कभी, बाबा की सेवा के लिए, बाबा की सेवा के लिए। तो प्रेम और भावना की मैंने देखा कमी है, और कईयों में है तो फिर ज्ञान नहीं है इतना। तो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, तो उससे क्या होगा कि हर बात में एक आप खुद अच्छा उदाहरण होंगे। शुरू शुरू में बाबा हमको सेवा के लिए भेजते थे, जाओ बच्चे इधर हिल स्टेशन शिमला जाओ, नैनीताल जाओ, कश्मीर जाओ। मैं तो सभी जगह गई, एग्जीबिशन लगाते थे, 50-60 भाई बहन सब जगह से आते थे।
तो मैं 3:30-4 बजे उठ के सबके लिए सब्जी और चावल सब बना देती थी। हेल्प थी माताओं की। बाद में वो लोग चावल और रोटी बना लेते थे गरम गरम। जब मैं आई ज्ञान में तो मामा आ रही थी हमारे सेंटर पर, तो दादियाँ कहने लगी कि मनी बहन कुछ तो आपको बनाना चाहिए, मामा आ रही है। क्या मुझे तो कुछ नहीं आता। हम 3 बहनें थी, मैं सबसे छोटी, तो चांस ही नहीं मिला कभी कुछ बनाने का। वो लोग ही बनाते थे घर में, 3-4 लोग तो थे। तो मैंने कहा मुझे तो न सब्जी आती न रोटी, न टोली तो उस समय थी ही नहीं, मिठाई कौन बनाता था, बाहर से ही लाते थे ना। तो बोला हम आपको सिखाएंगे, एक चीज़ सीख लो। मैंने कहा ठीक है कोशिश करते हैं, पर मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। मैंने कहा ये तो सब चिपक जाता है हाथों पे, उसका क्या करूँगी, क्योंकि आटा बनाओ तो भी चिपक जाता है, टोली बनाओ तो तेल लग जाता है। तो मैंने कहा कि है तो मुश्किल, चलो आप कहते हो तो सीख लेते हैं। तो उन्होंने कढ़ाई रखी, करछी दी हाथ में, बोला इसको घुमाओ। बेसन था, क्योंकि यज्ञ का सबसे मशहूर एक पेड़ा है, एक बेसन के वो मोहन थाल पेड़े में तो बहुत टाइम लगता है ना। आज वाला नहीं, रिकॉर्डर लगा दो, वो मीठा वाला दूध डाल देते हैं, वो कर दो, नहीं रियल। तो उन्होंने सिखाया, तो फिर एक चीज़ सीखी तो दूसरी सीखी तो तीसरी सीखी। आप सबको आती है टोली बनाने, आती है खानी, आती है और बनाने नहीं आती है। तो कोई बनाता रहे आप खाते रहो, कभी तो ऐसा भी होना चाहिए ना कि मैं बनाती हूँ आप लोग खाओ। सीखने का शौक होना चाहिए, यज्ञ सेवा है ना। कुछ भी यज्ञ के प्रति करते हैं तो देखो, एक होता है कर्म का, पुण्य कर्म का फल, दूसरा होता है बल। समझते हैं क्या फर्क है? फल मिल गया भाई आपको, अच्छा कुछ मिल गया, लेकिन जो आत्मा में शक्ति आती है, बल आता है कर्म योग का, वो भी बहुत जरूरी है। शुरू शुरू में आपको पता है दादी गुलजार सुनाती है कि 300 का खाना बनता था तो कितना बड़ा पतीला होगा ना। तो सभी को, बच्चों को पतीले साफ करने हैं तो वो अंदर खड़े होके करते थे। दादी गुलजार कहती है हम अंदर चले जाते थे और कुछ बाहर से करते थे, हम अंदर से करते। तो 8 बच्चे एक पतीला करते थे। पर किया, बाबा ने खेती बाड़ी भी की। देखते हैं ना बाबा कई बार बैठे हैं, बाबा ने पापड़ भी बेले, हर काम में। तो एक ये क्वालिफिकेशन ऑलराउंड की अगर नहीं है तो आप यज्ञ के वारिस नहीं हैं, आप अच्छी टीचर हैं। अच्छी टीचर हैं, पर जो यज्ञ में होता है, एक सेंटर होता है, फिर बड़ा यज्ञ होता है, आज इतना बड़ा पीस ले जाए। मुझे याद है शुरू शुरू में मैं किचन में सबको बर्तन साफ करने सिखाती थी, क्योंकि मेरे को बहुत साफ बर्तन चाहिए होता है। हमारे पास एक माता जी रहती थी, हेमलता माता, तो वो बताती थी कि जब सिंक साफ करते हैं ना, अभी भी मेजॉरिटी
जगह पर सिंक कितना साफ नहीं होता है, तो वो जब साफ करते ना, थोड़ा साबुन है या गरम गरम पानी डालो, इतना काला निकलता है। मैं अभी भी सब चले जाते हैं ना, तो किचन से गुजर रही होती हूँ तो सिंक साफ कर देती हूँ। ऐसे तो करने नहीं देते मुझे, क्योंकि खड़े होने में, फिर भी मैं जब भी देखती हूँ ना, मैंने कहा ये तो क्या बाबा का खाना बनेगा, इसमें फल धुलेगा, इसमें सब्जियाँ धुलेंगी, इतना साफ तो नहीं लगे। और खासकर जब स्टील होती है तो उसको नहीं चमका हो तो काली होती जाती है। भूमि बहन पहले साउथ अमेरिका जाते थे, सबसे पहले वो किचन में चली जाती, उनके भोग के बर्तन इतने काले क्यों हैं। सबको हमने सिखाया कि बर्तन चमकते रहें, बाबा को भोग लगना है। अच्छा, आप में से कौन कौन घर में रोज़ भोग लगाते हैं, ज़रा हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो नहीं लगाते हैं वो हाथ खड़ा करें, नहीं करेंगे, क्यों नहीं लगाते हैं? सैंडी ऑल्सो ऑफर भोग बाबा? यस। किस किस के पास भोग की डिबिया हैं, जिसके पास नहीं है हमको बताना। अभी कई लोग ये सोचते हैं कि हाँ देखो, मंदिरों में आजकल, मैं सोच रही थी जब बाबा ने पांच तत्वों की बात की, मंदिरों में बहुत सोना चढ़ाते हैं, हीरे चढ़ाते हैं। नहीं, आपको पता है वो तिरुपति का मंदिर है, तो लोग कहते हैं इतना तोले का, इतने वेट का हीरा चढ़ाऊंगा अगर मेरा काम हो जाए। तो मैं सोचती हूँ क्या करते हैं भगवान पर ये क्यों। जो कुछ हमें प्रकृति ने दिया है सब हमें स्वीकार तो कराना होगा ना। और जो महंगी चीज़ होती है उससे अटैचमेंट भी होता है, वो तो ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इसलिए बनाया भाई, सोने का हार चढ़ाएंगे, भगवान को ये करेंगे, मूर्तियों पर ये करेंगे। तो ऐसे समझते हैं कि चलो हम ये भी ऑफर करें। तो कुछ भी इतना है, प्रकृति का कुछ भी है जो हम उपयोग करते हैं, वो सब ऑफर होने से क्या होता है, दो बातें। एक तो अपनी आसक्ति कम होती है, देखो। और सभी धर्मों में भगवान को सिर्फ फादर क्राइस्ट, फादर ये फादर, और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, तुम माता पिता बालक तेरे, वहाँ सब फादर है, यहाँ मदर फादर है। और फिर जब बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा मदर है, शिव बाबा फादर है, तो ब्रह्मा बाबा तो शरीर में है ना, कई फिर आते हैं ज्ञान में तो हम जन्मदिन कैसे मनाएं अभी। तो हम कहते हैं कि आप बताओ बाबा के घर में मेरा जन्मदिन है, मुझे बाबा को भोग लगाना है, बाबा से ब्लेसिंग लेनी है। अभी भी कईयों ने नोट में लिखा कि प्रोसेस क्या है, मैंने कहा प्रोसेस थोड़ी होता है, ये तो भावना की बात होती है। तो हर एक चीज़ का जैसे महत्व है, तो एक तो कर्म मन, मैंने बताया ना कि ज्ञान, समझदार, प्रेम और भावना, तीसरा कर्म योगी। कोई ना कोई किसने, कई कई बातों में हम स्पेशल हैं, पर कर हर एक चीज़ करते हैं। और दूसरा सीखना होता है।
ऐसे मैं भी बचपन से बहुत ऑर्गेनाइज्ड, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह मतलब बहुत, सभी कहते थे अच्छा होता है। फिर मैंने देखा भूमि बहन आई, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने कपड़े सूटकेस में खुद ही डालूंगी। मेरे पर्स में 100 का नोट, 50 का, 20 का, 10 का, 5 का, 1 का ऐसे रखती हूँ कि कहीं एयरपोर्ट पे स्टेशन पे खोलें तो ऐसे नहीं ढूंढते रहो कि वो नोट कहाँ है। सबका ध्यान भी जाता है, कई लोगों का तो पर्स ऐसा है जैसे कुआं होता है ना छोटा, कितनी देर तक ढूंढते रहते हैं, क्या ढूंढ रहे हो आप, कई तो पर्स है, मतलब उनमें ये नहीं है कि, हमारा तो ये होता है किचन में भी जो चीज़ जहाँ है वहीं रखो, तो आप जो टाइम मैनेजमेंट है ना भाई यहीं होगा, इसमें थोड़ा कहीं तंग कहीं भी रख दो क्या फर्क पड़ता है, फिर ढूंढते रहोगे ना, जहाँ रखते हैं वहीं रखो, तो अगली बार जाएंगे तो वहीं रखा होगा, और दूसरे अगर आते भी हैं तो वो भी फिर धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाते हैं। जिसको कहते हैं अवस्था और व्यवस्था, व्यवस्था भी आनी चाहिए हर बात की। अभी लोग बड़े बड़े मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, हमने तो कोई मैनेजमेंट की नहीं, अपने मन को मैनेज करना आता है तो सब कुछ आता है। अभी है इतना बड़ा पीसफुल लग जाए, यहाँ वहाँ से लेके बाबा के रूम से यहाँ तक बेसमेंट है। दादी प्रकाशमणि को लेके गए हम घुमाने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी तो इन्होंने इतना अच्छा कर दिया, हर रूम में अलग चीज़ है, रूम ठीक करते गए करते गए कर, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता। बाबा का भंडारा है, जब भी मैं यहाँ पर भोग लगाती हूँ तो थोड़ा बहुत जो भी मिलता है उसका पूरा अनाज खरीद के मैं भंडारा भर के जाती हूँ, जितना बेचा हुआ लाटा जो कुछ चाहिए। कल परसों वो तो इतना ही लिस्ट थी, क्योंकि यूज़ होगा ना, अभी 225 लोग घर में तो एक टाइम खाना बनता है, यहाँ आपको 5 बार मिलता है। चाय के टाइम कुछ नहीं होता तो बोलते हैं नाश्ता दो फिर नाश्ता होता है, फिर लंच होता है, फिर स्नैक्स होती हैं बीच में, फिर खाना होता है, फिर भी रात को जाके ढूंढते हैं कुछ है तो मैंने इनको बोला मुरमुरा और सेव रख दो, जिसको खाना है खाते रहे, तो यूज तो होता है ना इतना सब, तभी कहाँ से लाएंगे। तो मैं उनको कहती हूँ सारी लिस्ट, तो इस बार तो 100 पाउंड आटा चाहिए, 100 पाउंड चावल चाहिए, 100 पाउंड ये चाहिए, तो सारी मैं जाने से पहले जितना यूज़ होगा व्यक्ति परिवार में वो भर देते हैं, कि उनके पास फिर अगली रिट्रीट होगी तो ये नहीं हमारी सत्या बहन भंडारा देखती है, वो यही कहती है मोहिनी बहन को लिस्ट दे दो। मैंने कहा कुछ तो भंडारे में डायरेक्ट जाए ना, हमारा है तो सब बाबा का ही बॉक्स में डाइनिंग है तो भी बाबा का, पर बड़ी खुशी होती है मुझे जब से मैंने ये कहना शुरू किया है कि पूरा भंडारा भर, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही दे दो, क्योंकि फिर अभी रिट्री रहेगी तो सब बाबा के कंटेनर्स भरे पड़े हों। अभी लोग कहते हैं बाबा देता है, राइट, बाबा देगा, पर हम अगर सुदामा के चावल भगवान स्वीकार नहीं करेगा तो महल कहाँ से मिलेंगे, करने पड़े ना, समझ रहे हैं? सुदामा के चावल श्री कृष्ण को खाने पड़े, क्यों खाए उसने, क्यों खाए, क्योंकि बिना कर्म किए नहीं मिलता है, भगवान भी कर्म का नियम रखता है। द्रौपदी ने अपनी साड़ी से
तोड़ करके फाड़ करके कृष्ण की अंगूठी पर ना अंगुली पर नहीं बांधा होता तो उसको टाइम पर साड़ियाँ कहाँ से मिलती। तो भगवान हमें चांस देता है कर्म करो तो मैं आपको दे सकूं। उसको तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो दाता है, वो तो खाता भी नहीं है। समझा मेरा भाव? कि अगर आपसे कर्म नहीं होगा तो हर अपॉर्चुनिटी, मैं ऐसा देखती हूँ कि भाग्य बनाने के लिए बाबा घंटी बजा रहे हैं, बच्चे ये करो तो मैं तुमको 100 गुना दूंगा, 1000 गुना दूंगा, और वो भी जब समय की आवश्यकता है, मतलब उस समय ज़रूरत है, चाहे वो कुर्सी उठाने की है, चाहे वो सफाई करने की है, चाहे धन से कुछ करने की है, कुछ भी मन तन धन से कुछ भी करते हैं उसका बाबा रिटर्न देता है। और रिटर्न क्या है कि अविनाशी सदा, कभी ये नहीं डर होगा। बाबा ये कहता है कुछ भी हो जाए दाल रोटी तो मिलेगी। बैंक के पैसे ज़रूरी काम नहीं आते हैं, भाग्य में होना चाहिए, और भाग्य बनाने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना पड़ता है। तो ये जो संगम युग पर भगवान के द्वारा हमें जो शिक्षा मिलती है तो भक्ति मार्ग से अलग है। जो भक्ति मार्ग की श्रद्धा भावना है वो अलग है, और जो ज्ञान मार्ग की प्रेम श्रद्धा है वो अलग है। तो कर्म करना वो भी एक श्रेष्ठ भावना से करना, उससे बहुत भाग्य बनता है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं तो भी इतना नहीं प्राप्त करते, कई थोड़े में बहुत करते हैं, क्यों? भाग्य बनाया हुआ है उन्होंने, तो अभी की मेहनत और भाग्य प्लस डबल हो गया ना। कई मेहनत करते हैं पर भाग्य बनाया हुआ नहीं है, तो भगवान भाग्य बनाते हैं और बनाने का भी चांस देते हैं। हमने तो बहुत बचपन में बाबा के पास आए तो यही सीखा कि जो अवसर मिले, बाबा जिसको कहता था चांस लो तो चांसलर बनोगे, जिस काम करने का अवसर मिले कर लो। हर कर्म का भाग्य बाबा से मिलेगा तो पुरुषार्थ करेंगे, पर जो भाग्य बना हुआ है, जो आपकी सेविंग है, वो आपको बहुत काम आती है। न केवल काम आती है लेकिन भाग्यशाली जो है उसमें विश्वास बना रहता है, होगा कि नहीं पता नहीं, कैसे होगा ये संकल्प नहीं आते भाग्यशाली को, ये पता है बाबा है ना करेगा। अभी बाबा भी कैसे करेगा, निराकार कैसे करता है, किसी ना किसी को निमित्त बना देता है ना। किसी ना किसी के बन, तो जब श्रेष्ठ संकल्प आता है तो करो। हमारी दीदी मनमोहिनी, दीदी जी का महीना चल रहा है ना जुलाई, दीदी मनमोहिनी का मास है 28 जुलाई। तो दीदी हमको यही कहती थी हमेशा कि जब भी जो भी अवसर मिले, मौका मिले, छोड़ो नहीं, दाता को देना चाहता है। मैं तो बचपन में बहुत भक्ति करती थी पर भगवान से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा मैं माँ बाप से क्यों मांगूंगी, वो तो देगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार है पवित्रता, सुख, शांति, संपन्नता, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं क्यों मांगूं। कभी नहीं मांगती थी, पहले भी नहीं और अभी भी कभी नहीं। उसका कार्य है वो करेगा, हम तो निमित्त है ना। पर श्रेष्ठ संकल्प आते हैं कि ये करना चाहिए,
तो वो ऑटोमेटिकली बाबा पूरे करते रहते हैं। तो भगवान को समझना, भाग्य को समझना और तीसरा भावी को समझना, तीनों चीज़ें बड़ी हैं। भगवान, भाग्य और भावी। भावी मतलब डेस्टिनी। तो डेस्टिनी में भी विश्वास चाहिए। भावी कह के ये नहीं है कि चलो ठीक है जो होगा नहीं। हमने भाग्य बनाया हुआ है तो भावी भी ऐसी होगी ना। तो मैंने ये सोचा कि आप लोग अलग अलग जगह सेंटर्स पे जाते हैं, क्लासेस करते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन है, फिर भी कुछ जनरल बातें बैठ के करें, ऐसा मन में था। क्योंकि कहते हैं टॉपिक नहीं है, जो भी बोलना है उनके तो बहुत अच्छा है, जो भी बोलना है तो और ही अच्छा नहीं। तो ये बातें कई बार थोड़ी सी मिस हो जाती हैं। जब भी कोई ऑपोजिट परीक्षा है, कोई भी बात आ जाती है, उस समय आपको आपका विश्वास, आपकी शक्ति, आपका ज्ञान सब यूज़ करने का टाइम है। और हम उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। यही इसलिए तो आई, बड़ी परीक्षा देंगे तो पास भी होंगे, तो प्रमोशन भी होगी ना। बिना परीक्षा के तो कोई नहीं प्रमोट होता है ना। तो ये कभी भी घबराना, क्यों कैसे, अरे बाबा बाबा मेरे साथ है ना। फिर बाबा को भी लगता है कि कहता तो है मैं साथ हूँ, पर उसकी तो अपनी ही विश्वास ही नहीं है। एक बार पीस विलेज में हम नए नए आए थे, तो ऐसे ही कभी कभी मुझे बहुत बड़ा है, खर्चा भी होता था उस समय, तो इतना लोग भी नहीं आते थे, बनाना भी बहुत कुछ था। तो एक रात को मैं ऐसे ही जगी तो मुझे थोड़ा सा, हम लोग एक एक्सक्यूज ले लेते हैं, एक चिंता है दूसरा कंसर्न है रहे। तो मुझे ऐसा लगा ये कैसे होगा। और दूसरे दिन दोपहर को कुछ जिस बात का कंसर्न था, गवर्नमेंट वाले आए, ट्रक लेके आए, अपना क्लियर करके चले गए। तो बाबा मुझे कहता है कि तुमको मेरे ऊपर निश्चय है। मैंने कहा ज़रूर है, नहीं होता तो हम क्यों ये लेके बैठते, आपकी सेवा के लिए लेके बैठे। हमने तो कभी होटल मोटल चलाए नहीं, बिजनेस तो किया नहीं है। बाबा कह रहे हैं सब कुछ चाहिए, चलो हम निमित्त बन के करेंगे। तो बाबा ने कहा फिर विश्वास और चिंता इकट्ठे नहीं जाते। वो दिन से आज दिन तक कितना भी कुछ हो जाए, अपना विश्वास पर, विश्वास पक्का करने के लिए वो बात आती है, ना कि कुछ करने के लिए आती है। पर क्योंकि हम लूज कर देते हैं ना, विश्वास नहीं है तो शक्ति नहीं है, तो बात ठीक होती नहीं है। समझा, क्या समझा? तो वो कोई भी बात इसलिए आती है कि अपना विश्वास की जो शक्ति है उसको यूज़ करो, न कि विश्वास खो दो और चिंता करो। तो अभी मैं पूछती हूँ, कौन कौन चिंता करता है, कौन नहीं करता है, कौन करता है? कोई बात नहीं, खड़ो खड़ो हाथ खड़ा करो तो वरदान मिल जाएगा ना। कौन कौन चिंता करता है बताओ? कभी कभी सभी करते हैं। अच्छा, तो फिर बाबा क्या कहेगा? बाबा कहेगा करो चिंता, क्योंकि उससे मिलना तो कुछ भी नहीं है। नहीं, प्रभु चिंतन करो,
ज्ञान का चिंतन करो, चिंता नहीं करो। तो इसलिए पूरी तरह से, जैसे आजकल कई दिनों से बाबा कह रहे हैं, जो शक्ति जिस समय चाहिए वो यूज़ करो। सहन शक्ति चाहिए हम सामना करने लगते तो नुकसान ही हो जाएगा ना। जहाँ सामना करना चाहिए वहाँ समाने लगते हैं। तो ये तो परिस्थिति आई है, ये शक्ति चाहिए, यूज़ करो, ज्ञान यूज़ करो, बाबा की याद में रहो। दो तीन दिन पहले बाबा ने कहा, मैं तो सहयोग दे रहा हूँ और अंत तक देता रहूँगा। बाबा का सहयोग हमारा योग, योग होगा तो सहयोग भी मिलेगा। और बाबा तो कहता है मैं देता हूँ, देता ही रहूँगा। मेरे से कई कहते हैं आप कैसे चल रहे हो, क्या भगवान के सहयोग से चल रहे हैं। योग तो लगाना ही होता है, उठते हैं रोज सवेरे 3 बजे, बैठते हैं 5 बजे तक, 2 घंटे बाबा के लिए, बाबा की याद करो, मुरली सुनो, मनन चिंतन करो 2 घंटे, उसके बाद फिर तो कारोबार शुरू हो जाता है। कोई फोन आता है, क्या बनाना है, ये करना है, वो करना। शरीर से कई बार कर्म नहीं कर पाते, पर फिर मन बुद्धि से कर्म योग में जो सहयोग है वो तो देते ही हैं। तो इसलिए आजकल मैं सबको कहती हूँ कि बेशक विस्तार है पर समेटो, समेटो का मतलब भाई क्या करना है, कितना कैसे है, ज़रूरी है। कई होंगे भाई चलो एक और प्रॉपर्टी ले लो, इधर मकान बना लो, उधर बना लो, ठीक है। लेकिन जितना अपना भाग्य बनाना है बनाओ, समेटो। तो जैसे ऐसा हो कि अंत समय कहीं भी बुद्धि ना जाए, मैं ये कर लेता तो अच्छा था, मैं ये कर लेता तो अच्छा था, कर लेता तो अच्छा था, क्यों नहीं किया। बाबा मुझे हमेशा कहते हैं, बच्चे ऐसे तैयार बैठो जैसे अभी मुझे जाना है तो भी मेरी बुद्धि कहीं नहीं जाए। हमारे एक भाई बहुत अच्छे ऑथर थे, एंथनी, वो ब्राज़ील में गए, ट्रैवल कर रहे थे, तो नाश्ता करते बैठे 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 वो चले गए, शरीर, आत्मा गई, शरीर छोड़ दिया। अभी उसकी माँ कहे कि इनको, वो ऑस्ट्रेलियन था, इनको ऑस्ट्रेलिया इनकी बॉडी को पहुँचाना ही है। 13,000-15,000 डॉलर सिर्फ उनके वहाँ पहुँचाने में लगे। उसने विल नहीं की थी, तो उसने जितनी किताबें लिखी उसकी सब फैमिली ने कहा, क्योंकि कॉपीराइट दिया नहीं था ब्रह्मा कुमारी उसको, और था सब बाबा का ही बच्चा था वो, तो उसने सब बुक्स जितनी भी थी, क्योंकि बुक्स बिकेंगी प्रॉफिट होगा। तो हम सबको ये राय देते हैं, सबको, कि अपनी विल ज़रूर बनाओ। बाबा के लिए, बच्चों के लिए, क्या कैसे पूरा प्लान कर लो। रमेश भाई हमको भी कहते थे विल पर, क्या हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। एक दादी थी 35 साल से यज्ञ में, शरीर छोड़ा, उसकी फैमिली आई तो पहले पूछते हैं दादी का क्या क्या है, भाई दादी के पास तो एक ट्रंक ही है, थोड़े सफ़ेद कपड़े,
तो हर एक को ये इंटरेस्ट होती है। हमारे पास एक जोइश माता थी, पहली स्टूडेंट थी हारमोनिया, उसकी बहुत समझदार थी, बाबा को समझा हुआ था सब कुछ। तो थोड़े दिन पहले वो खाना वगैरह बंद कर दिया। मैं रोज़ कुछ भेजती थी, मैनहट्टन में थी, रोज़ भेजती थी भाई ये खा लो वो खा लो, बिल्कुल नहीं खाती थी। वो तैयारी कर रही थी अंदर में, तो जब जाने लगी उससे 1 घंटा पहले मुझे फ़ोन किया हारमोनिया उसने कि ये मैं बाबा के लिए चेक छोड़ रही हूँ ये, और मैं जा नहीं रही हूँ, बस ये लास्ट बात की, चली गई। उसके बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि जो कुछ मिलेगा, तो हमने उनको कहा भाई मेमोरियल सर्विस तो करो ना। कहते हैं नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमने कहा चलो हम कर देंगे, कोई बात नहीं है। कहने का भाव ये कि वो इंतज़ार में थे कि हमको, हाँ वो जाएगी तो जो कुछ मिलेगा। तो जो समझदार होंगे ना वो हर एक बात में अपना, आपने कमाया चलो आप सोचते हैं धोते पोते खाएंगे, किसी के पास भी धन अगर बिना मेहनत के आता है वो जाता भी वैसे ही है, लोभ में चला जाएगा मोह में चला जाएगा। हमारा मेहनत का धन क्यों लोभ मोह में कोई दूसरा यूज करे, चाहे अपने ही बच्चे हैं तो भी। तो ये सब हर बात का, हाँ जैसे कहते हैं ना कि समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ पता नहीं लगता है आजकल, और न भी लगे तो बुद्धि तो फ्री होगी ना। कहीं भी ऐसा ना हो कभी अंत में कुछ और ज़्यादा आ जाए, जो बाबा कहते हैं ना अंत काल क्या सिमरन रहे, जिसने सब कुछ अपना समेट के सब कुछ तैयार रख, उसको प्रभु के गुण गाता रहेगा, जाते समय मुंह से बाबा बाबा ही निकलेगा। समझा तो ज्ञान की समझ है, बुद्धि की भावना है, और कर्म योग का बल है। तो ये सब सब तरह का अच्छा पुरुषार्थ होना बहुत ज़रूरी है। क्या ये समझ और योग्यता, प्रेम और भावना, भगवान भाग्य भावी, एकदम निश्चिंत मौज वाले जीवन। निश्चिंत रहना भी बहुत ज़रूरी है। समझा, किसी को कोई प्रश्न है नहीं, किसी के पास नहीं है, बोलो। ओम शांति। Can you start again? All these things you are available. Can you start again? At the mic. Om Shanti. I want to find out what kind of magic pill you and Bhumika have, because I find that you are traveling internationally, nationally, and you're still available for Murli class, Amrit Vela, wherever I see in Zoom you are available. And I don't understand when you're taking rest, you have a reservoir or somewhere? I want to also jump in that reservoir, because I cannot handle all that what you are handling. What is the magic, Bhumibhan? I don't know. Yeah, I, you know, honestly,
there is one word called nimit. Always consider yourself instrument, right? And totally surrender your life to Baba, your mind to Baba. I always say, Baba, I have surrendered my mind, body, wealth I don't have. Whatever I have is for Baba. And then, you know, there was a time for the body where I couldn't go anywhere. I used to travel 7 months of the year in the region, but I couldn't. And I think for 2-3 years, I was just at one place and I was happy because not I had desire to travel. But then my friends, you know, when I say 5-6 of us, I didn't go to Madhuban, they said, we will stay with you. We will do some subtle efforts. It's all right, physically we cannot do it. So we went into deep churning and strengthening our faith and everything. And after that, I find that Baba opened this, you know, COVID happened. Dadi Janki left. And then Dadi Janki used to come to New York, sit in this room, Betty, sit in the room, and then she said, I cannot go up now in Baba's room. So create Baba's room here. So we had one picture from Tampa. They gave us handmade, and so we put it here, and Dadi used to. But Dadi always 7:30, when yoga will finish, we'll have little chit-chat, 10 minutes, 15 minutes, what Baba said in the morning, or she will share some of her experiences. So on the 13th day, when we offered bhog, I said we should continue Dadi's legacy. So in the same chair I sit, same Baba's picture, now we have changed. And now we have this screen because of Avyakti Parivar. And Avyakti Parivar was, you know, there, it was already there. There were about 12, 15 mothers, and we used to call it Avyakti Parivar. And then we started doing chit-chat. I don't know how it expanded. And then during COVID, there were sisters in islands, old people, men, nobody could, lot of young people. You know, then we kind of thought that there are so many new ones. They will never know what was Yajna. They will never know what were Dadis. So let's do something where we put something of Brahma Baba, something of, you know, Dadis, something of festivals. The whole aim was to, because new ones are connecting more with modern kind of workshops and all, but from where power will come. And if they don't know that they are from the roots of Yajna, what is Yajna? So that keep coming in our mind. Then we thought Brahmins won't know lifestyle. So you might remember we showed how to clean pots, how to clean closets, how to manage. You know, we went into and have videos. Then we showed all the centers of the region on the video. You know, in the beginning, like we. And during that time, a lot of young people start making videos for us, went to Murli's to choose points. All those young people remained safe. Others who went out, everyone had some tragedy, some lot of difficult things. So we start saying that it's Baba, you know, because it's not our. And so it keep growing, and then some or other countries. Now in the morning, like London and South America, where the time, so they all watch in YouTube. And then luckily we have some souls who do live stream in the evening. But then other ones spend an hour to put it in YouTube and is shown in the next morning. So there are at least 130 of them in the team who do little, right time, right music, right time. And surprisingly that they do bhatti whole day. So whole day new music, new commentary, new
they look for new songs and whole day. But he, that means the program is on for whole day. So it's not I do or Bhumi do, but because I think it's a sustenance which is regular, it's every evening without, at least until now, whenever I am traveling, I do recording before leaving, two recordings, three. In Madhuban, we do very early in the morning after Amrit Vela. And so wherever we are, we try to do it. Now, last year I went to London because they were inaugurating retreat place, and I just felt they will really miss Dadi and they will keep remembering Dadi. So they keep inviting me, beautiful invitation letters, and I said I will come. And that was my first thing for international. I said I will come, it's all right, 1.5 day I will come. We took flight, it was not very good one, but anyway, you know how Baba, that's why I always feel that when you have a thought, and as long you can do it, Baba will help you. We reached there. Honestly, it gave not only joy to me, but whole crowd, whole world was saying, but that's amazing to go to London. Even my doctor says, I can't hear even what you say. I don't want to, because she gets very nervous. I said, no, I will come back safe, you will see. So anyway, we came back, and then some of the promises, you know, everyone, as soon as we land in India, please come here, please come here. I said, I can't. If I could, I will. But, and then in Madhuban, they say, we went to Ahmedabad, somewhere. When we came, we had always had cough or something. And Shantivan, that there were nowhere, you just stay here. So I stay, but then everyone invites. So recently, since 2-3 years, Mill Peters in California, they has built, they bought a nursing senior citizen home and make a center, beautiful center. So we had promised them. Now, if you go to Mill Peters, then Chandruben has left. I haven't gone after. They need little bit of our presence. So we decided, we went to San Francisco, night flight, and then we went to Anubhuti. From there, we came to Mill Peters. Then we went to Sacramento, and we took night flight. So within weekend, we did 4 places, either in the car or in the flight. And God's grace, it was, everything went well. Then Boston was celebrating 40th, and not to give them half a day, not. So we went to Boston last. Next weekend is heavier. We're going to Washington, Cinnaminson, and come back. So Bhumi has until December, every day is something. But I think it's your blessing of everyone. And whatever little they get received through presence or whatever, I think it's Baba, no? But one step of courage and then 100 step of help, that's what I find. Dadi Janki's words, all the Sister Mohini, we need courage. That's how she used to manage. So I keep remembering her words. Plus, I feel Dadi's always wanted me and Jayanti went to be more in India. And we found that, we can if we want to. But because of some reasons, we said we will divide half first. We spend 6 months there, 6 years. We have done 5 months we are in India. But I think magic is only of Baba, right? Baba is known as magician. So when you can do it, like in the sense, if you are not feeling, you can do it. If it's very much important, you have booked already.
So you keep courage and you, but bodiless stage and remembrance of Baba. Like if I am flight, I find it's too long and I go to India. So I just say, okay, become bodiless. Flight is going, it's all right. And remember Baba so that whenever you find you need more strength, whether in your breath or whether in your thoughts, it just helps. So it's Baba who really making everything happen and allowing us to create our fortune. One thing I am happy about that people are benefiting. Anyone, wherever we go, first thing they say, oh, Avyakti Parivar, this is something I really... And now because in Madhuban they do this Avyakti signals, so we don't have to search for topic. We just take same thing and it's easier. But definitely practice. We all do our homework. I do very sincerely because I feel that I enjoy practice, churning of knowledge, sharing of Baba's love, you know. So that's how it keeps going on, right? I told all the secrets to you. Not even one. Okay, I think my time is up. But look at Bhumi Ben has so many guardian angels and they all met here and created whole program, decoration and program and very, very and nice to see many, many young Kumaris, young ones coming together and they connect with Bhumi Ben a lot. Om Shanti. My time is up. Thank you, Didi. Let's thank Didi with the one hand. Thank you so much. So now we will remember Baba for 2 minutes. Please go to Baba, immerse in Baba's love. And next 1 hour, we'll be doing something nice, surprise, but also some entertainment too. I will guide you each time what we're doing, okay? So for now, you don't have to do anything. Just sit wherever you are, send a lot of vibrations, and you are seeing wonderful chairs here. Yeah, it will be filled soon with the spiritual flowers, right? So let's give Sakash, let's give lots of blessings to all those roses who will be coming soon. So that's all you have to do for now. And then I will tell you next step. So let's remember Baba. Can we have a red light and beautiful music? Be detached observer, okay? You don't have to do anything. Taken care of. For you too. Thank you. Om Shanti. Let's remember Baba.
शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा।
your angel heart enables you to read reality with different eyes. And so you have the art of remaining peaceful and happy. Your natural lightness and laughter reveal that at the core of every angel, there is a genuine smile and a peaceful mind. Thank you.
You are an angel who understands that the seed of change flourishes in the soil of acceptance and the light of forgiveness. Your angelic presence brings the enthusiasm to race towards solutions rather than run away from problems. You are an angel of light who radiates with the happiness of knowing how fortunate you are and how perfect life is.
as free as an angel. Your authenticity inspires soul to become who they are and no longer struggle to be who they are not. The faith that enables you to see beauty and change, hope in uncertainty and possibilities on every horizon. Your natural lightness and laughter reveal that at the core of every angel there is a genuine smile and a peaceful mind. Gives happiness to all through right actions, and so you live in peace. As an angel of compassion, your sense of vision fills others with the courage to create their own destiny. Thank you.
angel of beauty who decorates the world with love and peace, using the power of your elevated mind. Your pure angel heart enables you to read reality with different eyes, and so you have the art of remaining peaceful and happy. You are an angel of integrity who gives happiness to all through right actions, and so you live in peace. You are an angel of courage who never allows anything to be an obstacle, sees everything as a stepping stone to victory. You are a true angel, inspiring others to fill their every act with dignity through the example of your own life. Thank you.
you are an angel of light who radiates with the happiness of knowing how fortunate you are and how perfect life is. You are an angel of benevolence who dedicates every heartbeat, every breath to uplifting every soul of the world. You see everything as a stepping stone to victory. Thank you.
angels peacefully, but they are not here. I would like to request Shirin Ben and Gayatri Ben, can you please come? Special ritual roses here, Baba's peace village angels. So that's one hand. We really, really thank from our heart what they do for us. And this is why, because this year they are completing 25 years of peace village. So we really, really want to congratulate them from our heart. So the next is, we would like to decorate Didi also. Yeah? Okay. And also, you will receive little pin wherever you are. So please hold on to that. Okay? Don't do anything yet. Just hold on to it. Guardian angels, can you pass on that pin to everyone? And Didi ka. Can we have, no. Okay. Oh. You will get little pin wherever you are. Please pass it on. Acha. Inner spin. Thank you.
Let me know once you get the pin. Everyone got the pin? No? Can you just pass on fast, please? Can you just pass on to each one? Can you pass on to each other? Some music, please. Directly to the heart of others through your vision of deep respect and unconditional love. So once you got the pin, I would like to request everyone, you can stand up wherever you are. Okay, now while we decorate Didi, so two of you, each other, next to each other and in front of each other, and give drishti, don't put on yet until I say. You're not putting on yourself, okay? You're putting on the person who is next to you, but not now. Just stand in front of each other, give lots of drishti, congratulate each other. या आप एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे, अपने ऊपर नहीं पहनना है. आप लोगों को एक दूसरे को पहनाना है, पर अभी नहीं पहनाना है जब तक मैं ना बोलूं. तो आप लोग पकड़ के रहिए, जस्ट होल्ड ऑन टू इन योर हैंड, गिव दृष्टि टू ईच अदर. ऑल किड्स ऑल्सो प्लीज स्टैंड इन ईच इन फ्रंट ऑफ ईच अदर इन द बैक. एवरीवन, ऑल लिटिल वंस ऑल्सो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. Give drishti. Thank you.
you can aaj mere piya ghar aayenge री सखी मंगल गाओ रे धरती अंबर सजाओ रे हेरी सखी मंगल गाओ रे धरती अंबर सजाओ रे उतर गया आज मेरे पी की सवारी हर कोई काजल लाओ रे मुहे काला टीका लगाओ रे छब से देखूं मैं तो प्यारी लक्ष्मी जवारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे So now, as we know that this place is with Baba for 25 years, so we would like to also appreciate this place and thanks how much this place has served many, many, many souls. And of course, the nature. Nature has served so much. So now we will go and appreciate each and every element of the nature. And of course, the place which Baba has provided us at the confluence age for Baba's service. So, first Mohini Didi will go. After that, all Peace Village Niwasi will follow. And after that, all parents, children together. But we'll guide you, ushers will guide you. We'll go out and we'll walk in the silence. But to take Didi, we have somebody coming. So let's wait for that. One angel was missing, so
meditation. चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, के प्रभु के काम आए के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये आभागे आज इनके भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबत तुम्हारी तब आई है सवार। खुशियों के हमारे नाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी, जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, भगवान आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके This song get up until I tell you. Please, Nivasi, please keep this first. We need to have a nice photo. You want photo, na? Please, please, please. Oh.
Our music, please. ऐसा तो सागर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं हाँ धारा और नदियाँ जैसे फूल और बगिया मेरे इतना ज्यादा पास है तू जब न होगा तेरा चल मैं न मेरे होंगे जल थल जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू दुख दूर हुआ मेरा सारा अंधियारों में चमका तारा नाम तेरा जब भी है पुकारा सूरज भी यहाँ है चंदा भी तेरे जैसा उजागर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई तेरे मंदिरों में माई मैंने ज्योत क्या जलाई हो गया मेरे घर में उजाला क्या बताऊं तेरी माया जब कभी मैं लड़खड़ाया तूने दस भुजाओं से संभाला खिल जाती है सूखी डाली भर जाती है झोली खाली तेरी ही मेहर है मेहरबाली ममता से तेरी बढ़ के मैया मेरी तो धरोहर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी बराबर कोई काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई प्रभु के काम आए
क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो द्वार मेरे ये आभागे आज इनके भाग जागे बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर नाम आए हैं दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए और प्लीज विनय दिवासी विल वॉक बिहाइंड डीपी एंड देन आफ्टरवर्ड्स एवरीवन एल्स ओके
बिना पैसा दिए दवा लेके भाग रहे हैं। कोई मन्नत मांगे कोई माला फेरे शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे फेरे शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ दिया सब वक्त से पहले सदा किस्मत से कुछ ज्यादा मिली है छाया तेरी तेरा उपकार है बाबा दिया सब वक्त से पहले
सदा किस्मत से कुछ ज्यादा मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा तेरे सर पे झुकते हैं बस किस्मत वाले माथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ, मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढूं तो मुश्किल हल हो जाए, मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढूं तो मुश्किल हल हो जाए, तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाम, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोले मस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। झंडा फहर रहा है शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में, पिता का झंडा फहर रहा है। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा ना सुख पलिए ऐसा परिवर्तन मांग रहा, मन को बदलो मत लगे रहो, बदलो मत लगे रहो, तन के यों खेल खिलौने, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा फहर रहा है।
चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धुने
प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो।
Thank you.
Thank you.